आधा किलो से थोड़े से कम है, हम इसको बीन लेंगे, जो कचरा है वो निकाल देंगे। अच्छा जी, ये उड़द को भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है, बस डायरेक्ट ही इसको मैं उबालने के लिए रख दूँगी। ये वाले मैंने 5 गिलास इसमें पानी डाले हैं, थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च का मैं 1 चम्मच डाल दूँगी इसमें। अब हम कुकर को बंद कर देंगे क्योंकि इसमें उबाल आ चुका है। गोश्त मैंने लिया है तकरीबन 1/2 किलो गोश्त है, हड्डी वाला है। नमक मैंने हल्दी जायका ले लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च के मैंने ये वाले जो है 3 चम्मच भर के डाले हैं और हल्दी का 1 चम्मच भी डाले हैं। ये मसाला जो है हमारा गोश्त में चला जाएगा। 1 अदद की वाली प्याज मैं काट के डाल दूँगी, ये प्याज भी इसमें चली जाएगी। ये वाले 4 गिलास मैंने पानी के इसमें डाले हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने देखें ये वाला जो है बड़ा चम्मच लिया है, ये जाएगा। 1 चम्मच में ये भर के ऑयल डाल दूँगी। अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। ये देखें हमारे उड़द गल चुके हैं, मैंने तकरीबन इसको 1.5 घंटा पकाया था कुकर में, ये गल गए हैं। हमारा जो गोश्त है ये भुन रहा है, ये भुन जाएगा तो हम इसमें उड़द डाल देंगे। गोश्त हमारा भुन गया है, इसमें मैं उड़द डाल दूँगी। उड़द डाल दिए हैं, अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैं 2 गिलास इसमें पानी डालूंगी ताकि थोड़ी देर में पकाऊंगी इसको। अब हम इसमें ये अदरक डाल देंगे कटी हुई, हरा धनिया जाएगा इसमें, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची काट ली थी ये भी जाएंगी इसमें। हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए। बगाड़ने के लिए मैंने ये 2 अदद प्याज ले लिए, ये मैं काट लूंगी। उड़द बगाड़ने के लिए अब हम फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे, 3 चम्मच मैंने ये वाले लिए हैं ऑयल के। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी। साबुत लाल मिर्च मैंने ले ली थी और थोड़ा सा जीरा ले लिया था, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। उड़द भी हमारे तैयार हो चुके हैं, अभी हम इसमें ये बगार लगाएंगे प्याज जीरा और साबुत मिर्च का। ये देखें चले जी, बघार हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको उड़द में डाल देंगे। ये देखें उड़द गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे।